हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा प्रश्न बैंक जारी की गई है, अध्याय 9 कक्षा 12वीं के विषय केमिस्ट्री को। आज हम इसमें विकल्पों को, उत्तर को जानेंगे, जो कि मतलब भोपाल MP बोर्ड द्वारा जो है नई प्रश्न बैंक अपडेट कर दी गई है, जिसमें कि विकल्पों को घटा के कम कर दिया गया है। इसमें आपको आज आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, वो है कि संकुल लवणों की संरचना का प्रतिपादन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्नर। और प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है हमारा, प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है कि मोहर लवण है। मोहर लवण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विक लवण। मोहर लवण एक द्विक लवण होती है, युगात्मक यौगिक होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो प्रश्न क्रमांक तीसरा आता है, और इसमें दिया हुआ है कि FeCN का होल 6-3- का सही नामकरण है। तो इसको जो सही नामकरण है बच्चों, वो हो जाएगा राइट आंसर चौथा वाला, हेक्सासाइनोफेरेट, और जो रोमन अंकों में इसकी औक्षण स्थली की कोष्टक में जो कि है थर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें पूछा कि FeCO का होल थ्राइस संकुल में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है। बच्चों आपको बता दें कि जो CO है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो आवेश है या उदासीन लिगैंड है, जीरो होती है। इसलिए यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, जीरो। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है पाँचवा, इसमें दिया हुआ है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सूत्र है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सही सूत्र क्या है, इसमें चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सेकंड वाला, Na2FeCN का होल 5NO, इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक छठवें पर, और प्रश्न क्रमांक छठवें में पूछा है कि कौन कार्ब धात्वक यौगिक नहीं है। इसमें ध्यान से आपको प्रश्न को जरूर पढ़ें बच्चों, क्योंकि कई बार अपन जल्दी जल्दी में खुशी में क्या करते हैं, आप उसको सही पढ़ लेते हैं। तो नहीं है शब्द इसमें लगा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, C2H5ONa। इसमें धातु जो सोडियम है, ये डायरेक्ट कार्बन से ना जुड़कर ऑक्सीजन से जुड़ी है, इसलिए कार्ब धात्वक यौगिक नहीं है। बाकी सभी में जो कार्बन है, बाकी जो धातु है और वो कार्बन है, वो एक दूसरे से डायरेक्ट बंध बनाए हुए हैं, इसलिए सभी कार्ब धात्वक यौगिक हैं। आपका ये वाला आंसर जो है सही हो जाएगा, कार्ब धात्वक यौगिक नहीं है, ठीक है। बच्चों ये प्रश्न बस मात्र विकल्प 6 बचे हैं, जो कि MP बोर्ड द्वारा अपडेट करके नए जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो पहले जो प्रश्न बैंक डाली गई थी, उनके भी हम आपको आंसर बता देते हैं, जिनको आप अपनी कॉपियों में लिख लें। चलिए हम नेक्स्ट जो है पुरानी अपडेट, जो पुरानी प्रश्न बैंक थी, उसके भी आंसर यहाँ पर लिखते हैं। तो ये बच्चों जो यहाँ से आपकी जो है पुरानी जो पहले प्रश्न बैंक थी, उसमें बहुत सारे विकल्प थे, उसको अब हम यहाँ पर हम करने वाले हैं अध्याय 9 के उपसंयोजी रसायन के। इसमें जो पहला विकल्प है, ये बच्चों पहला वाला वही है जो उसमें अभी आ चुका है, ये विकल्प पुराना ही है। नई अपडेट और पुरानी अपडेट में ये बच्चों जो शुरू के दो प्रश्न सेम हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक तीसरा, कि ऐसे योगात्मक योग जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी रूप में अस्तित्व होता है, कहलाते हैं तो द्विक लवण। आपको इस आंसर में अगर डाउट हो तो इसका आंसर आप फिर हमें बताएं कमेंट करके, और इसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता तो हम आपको सही आंसर इसका कमेंट करके इसी में बता देंगे, तो आप इसको देख लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा हमारा आता है कि हीमोग्लोबिन आयरन का यौगिक है, तो संकुल यौगिक है या संकर यौगिक है, आप इसमें आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक पाँचवा आता है कि ज्यामिति समाप्तता तथा खालिस्तान तथा खालिस्तान संकुलों में पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खालिस्तान है बच्चों ये। तो इसका आंसर आपको पहले में चतुष्फल की, दूसरा अष्टफल की संकुलों दोनों में ये पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक छठवें की, और प्रश्न क्रमांक छठवें में पूछा कि डाई एथिल जिंक एक खालिस्तान यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ब धात्विक यौगिक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक सातवां है कि प्रस्फुटन रोधी कार्ब धात्विक यौगिक का सूत्र खालिस्तान है, तो इसका सही सूत्र हो जाएगा सूत्र PbC2H5 का होल 4, या C2H5 का होल 4 PbV, आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो नाम है वो है टेट्रा एथिल लेड, इसको कई प्रकार से पूछ सकते हैं, सूत्र भी पूछ सकते हैं, इसका नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप इसका नाम भी याद रखें टेट्रा एथिल लेड। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आठवां पूछा है कि EDTA खालिस्तान लिगैंड है, तो इसका ये है हेक्सादंतर लिगैंड, षड्दंतर लिगैंड, और इसको हम बहुदंतर लिगैंड भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक नवा है कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक संकुल यौगिक है, तो ये जो आंसर है असत्य है, ये सत्य सत्य यहाँ से जाल हो जाते हैं।
गृगनाट अभिकर्मक संकुल योगक है, मतलब ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। एथिलीन डायमीन द्विकलवण है, तो ये भी आपका बच्चों आंसर जो है वो असत्य है, इसका आपको आंसर क्या कर देना है, असत्य कर देना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 आता हमारा कि फेरोसिन की संरचना सैंडविच संरचना कहलाती है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, इसको हम सत्य कहेंगे। और प्रश्न क्रमांक 12 है कि NiCO4 का होल 4 में Ni की यानी निकल की ऑक्सीजन संख्या शून्य होती है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है जो कि सत्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 आता हमारा कीलेट संलग्नी अधिक स्थायी संकुल बनाता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 14 आता है कि हीमोग्लोबिन CO का एक यौगिक है, CO का यौगिक है, तो ये असत्य आंसर है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 15 आता है कि उस कार्बोधात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड। तो नाम लिखना था बच्चों आपको, यहाँ ध्यान रखना कि नाम लिखना था, इसलिए हमने नाम लिखा, आपको सूत्र ऊपर हम बता चुके हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 है, इसमें पूछा कि ऐसे उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजी बंध बनाते हैं क्या कहलाते हैं, तो संलग्नी कहलाते हैं, या इसी को हम जो इंग्लिश नेम जो है इसका लेगेंड, इसको हम लेगेंड भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 आता हमारा कि क्या कार्बोधात्विक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, तो हाँ, इसका आंसर क्या है, हाँ या सत्य आप लिख सकते हैं, कार्बोधात्विक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है हमारा कि किस प्रकार के संकुल IUPAC नामकरण में 8 शब्द लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, जो ऋणात्मक संकुल होते हैं उनमें 8 शब्द लगाते हैं, ठीक है, संकुल IUPAC नामकरण। इसके बाद जो एक प्रकार से आंसर दूसरा जो है उपसंयोजी यौगिक भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जब ऋणात्मक संकुल होता है तो केंद्रीय धातु के नाम में 8 लगाते हैं, अगर ये केंद्रीय धातु के नाम का पूछ रहे हैं तो 8 आपका ऋणात्मक संकुल में आ जाएगा। अगर ये संकुल पूछ रहे हैं कि किस प्रकार के संकुल में जो है IUPAC नामकरण में 8 शब्द लगाते हैं, तो उपसंयोजी यौगिकों में, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों ये थे यानी विकल्प जो कि 18 थे पहले, लेकिन अब कम करके 6 कर दिए गए, जिनको हम ऊपर आपको बता चुके हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ज्ञानपरक प्रश्न दिए गए हैं, और इन ज्ञानपरक प्रश्नों को भी अपडेट कर दिया गया है, तो आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको इनकी सबकी PDF और आंसर चाहिए हो, जो कि ज्ञानपरक समझपरक प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट करके लिख भेजें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अपने साथियों का, अपने दोस्तों का, उनका भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंच पर। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्लिक कीजिए।